केजरीवाल को जमानत। मनोज झा, राघव चड्ढा का कैसा बड़ा खुलासा। बीजेपी को दी कैसी चेतावनी। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए, तमाचा पड़ा है ना। सिर्फ ईडी आईटी सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है, और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूँगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की, मुझे लगता है, बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी, और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है, और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं, और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं, बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से।